अब आ जाओ बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 में, यहां ध्यान से देखो, ये क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 डज नॉट इंप्लाई एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है। फिर बच्चे ये ट्रू हो गया, क्यों हो गया, फिर इसको ध्यान से देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 में कंफ्यूज नहीं करना है हमें। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर 9 के इक्वल है, दिस इंप्लाइज एक्स इज नॉट इक्वल टू 3, ये हमारा फॉल्स है। ये बोल क्या रहा है कि अगर एक्स स्क्वायर 9 के इक्वल है तो एक्स 3 के इक्वल नहीं है, ये इंप्लाई कर रहा है कि एक्स 3 के इक्वल नहीं है, बट यहाँ एक्स 3 के इक्वल है बिकॉज एक्स 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, इसीलिए फॉल्स हो गया। अगर यहाँ पे लिखा होता ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंप्लाइज एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस 3 तो भी ये फॉल्स हो जाता, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि एक्स इज स्क्वायर इज इक्वल टू 9 डज नॉट इंप्लाई एक्स इज इक्वल टू 3, तो बच्चे ये ट्रू हो गया। ये क्यों ट्रू हो गया, क्योंकि ये बोल रहा है कि अगर एक्स का स्क्वायर 9 के इक्वल है तो ये इंप्लाई नहीं कर रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर 9 के इक्वल है तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक्स 3 के इक्वल है, तो ये बात तो सही बोल रहा है बिकॉज एक्स माइनस 3 के भी इक्वल हो सकता है। अगर तुमने एक्स का वैल्यू माइनस 3 लिया तो भी तो उसका स्क्वायर 9 ही होगा, तो इसीलिए हमारा क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि साइन एक्स इज इक्वल टू 1 इंप्लाइज कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। आप जब सेकेंड चैप्टर पढ़ोगे ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसमें आप ये पढ़ोगे कि साइन फंक्शन का, जैसे अभी तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो तुम ये पढ़ोगे कि जहां जहां साइन 1 होता है वहां वहां कॉस 0 होता है। अभी फॉर टाइम बिंग तुम ऐसे ही याद रखो, साइन जहां जहां 1 होगा कॉस वहां वहां 0 होगा, और कॉस जहां जहां 0 होगा साइन वहां वहां 1 भी हो सकता है और माइनस 1 भी हो सकता है, दोनों वैल्यू हो सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, साइन एक्स जिस एंगल पर 1 होगा ना उस एंगल पर कॉस एक्स हमेशा 0 होगा, बट कॉस एक्स जिस एंगल पर 0 होगा उस एंगल पे साइन एक्स 1 भी हो सकता है माइनस 1 भी हो सकता है। तो यहां पे ये जो स्टेटमेंट है ना बच्चे, ये ट्रू हो गया, क्यों, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि साइन एक्स इज इक्वल टू 1 इंप्लाइज कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, इट इज करेक्ट, बट कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज साइन एक्स इज इक्वल टू 1, ये फॉल्स है। क्यों, बिकॉज साइन एक्स का वैल्यू माइनस 1 भी हो सकता है। अभी मैंने बोला कि कॉस एक्स जहां पे 0 होगा जिस एंगल पे, उस एंगल पे साइन एक्स 1 भी हो सकता है माइनस 1 भी हो सकता है, इसीलिए इनकरेक्ट हो गया। अब ये एग्जांपल नहीं समझ में आ रहा है ना, 3π/2 क्या है, साइन 3π/2 माइनस 1 कैसे है, तो अभी इसको छोड़ दो, ठीक है, तुम खुद ही समझ जाओगे जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे। अब आ जाओ नोट नंबर 4 में, नोट नंबर 4 क्या बोल रहा है बच्चे, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। सबसे पहली बात क्या है कि स्टेटमेंट हम किसे बोलते हैं, इसको जरा सुनो ध्यान से बच्चे, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। दो वर्ड मैंने बताया, एक वर्ड होता है इंग्लिश में और, ओ आर और, इसको, ये वर्ड है इंग्लिश का, इसको हम हिंदी में या बोलते हैं, क्या बोलते हैं या। उसके बाद एक इंग्लिश का वर्ड है ए एन डी, इसको हम हिंदी में और बोलते, ठीक है बच्चे, इस और इस और में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो हिंदी में और बोलते हैं। तो अब तुम हिंदी में और बोल रहे हो या इंग्लिश में और बोल रहे हो, इस पर डिपेंड करता है। अगर तुम इंग्लिश वाला और बोल रहे हो तो उसका हिंदी में मतलब या होता है, ठीक है, और अगर तुम हिंदी वाला और बोल रहे हो तो उसका इंग्लिश में मतलब एंड होता है, ठीक है ना। अब तुम समझो, मान लो कि मैंने ऐसे बोला, मैंने बोला x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू y, ठीक है, तो इसको हम मैथमेटिक्स में रीड कैसे करेंगे, x इज ग्रेटर देन और बीच में और इक्वल्स टू 2y, इसको हम ऐसे मैथमेटिक्स में रीड करेंगे। बीच में क्या है और, इसका मतलब क्या है या हिंदी में। तो ये बच्चे देखो, ये दो स्टेटमेंट है, मैंने दो स्टेटमेंट लिया, एक बोला x इज ग्रेटर देन, दूसरा स्टेटमेंट लिया इक्वल्स टू y। अब ये जो जो हमारा टोटल स्टेटमेंट हो गया, ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया। क्या बोलेंगे इस पूरे स्टेटमेंट को, क्या बोलेंगे हम, कंपाउंड स्टेटमेंट। अब ये कंपाउंड स्टेटमेंट करेक्ट कब होता है,
सही कब होता है? जब इस दोनों स्टेटमेंट में, दोनों स्टेटमेंट में से कम एक स्टेटमेंट सही हो जाए। अगर मैं बोलूं कि ये सही है बट ये गलत है, तो ये पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि ये गलत है ये सही है, तो फिर ये पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगर मैं बोलूं ये सही है ये भी स्टेटमेंट सही है, तो भी ये कंपाउंड स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ये पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट। अगर मैं बोलूं कि ये गलत है और ये भी गलत है, तब जाके ये कंपाउंड स्टेटमेंट हमारा गलत होगा, मीन्स फॉल्स होगा। मेरी बात आई समझ में? तो इसी बात को मैंने क्या बोला कि अगर कोई कंपाउंड स्टेटमेंट है और उसके बीच में और है, और इंग्लिश वाला और, तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट करेक्ट कब होता है? जब कम से कम एक स्टेटमेंट सही हो जाए। ये सही हो जाए ये गलत हो जाए, तो ये पूरा लिखा करेक्ट हो जाएगा। ये गलत ये सही तो भी करेक्ट, दोनों सही तो भी करेक्ट, बट दोनों गलत तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हमने ऐसे लिखा। अगर मैंने बोला x इज लेस देन इक्वल टू y, तो इसको हम क्या बोलेंगे? x इज लेस देन और इक्वल्स टू y, ये मतलब हो गया। ठीक है बच्चे, तो यहां पे लेस, x इज लेस देन और इक्वल्स टू y, इसका मतलब क्या? ये फिर पूरा हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट है। इसको सही होने के लिए, बीच में और है ना, तो इसको सही होने के लिए कम से कम अगर ये सही ये गलत, तो ये पूरा सही हो जाएगा। ये गलत ये सही तो फिर सही, दोनों सही तो फिर ये भी सही, मतलब ये भी करेक्ट, बट दोनों अगर फॉल्स है तो ये फिर हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में तुम्हें? अब दूसरा क्या है कि अगर मैं ऐसे लिखूं, कोई दो स्टेटमेंट लिखूं, बीच में उसके एंड लिख दूं। अगर मैंने लिखा ना ऐसे, मान लो सबसे पहले तो इसको हम ऐसे रीड करते हैं, इसको हम ऐसे रीड करते हैं, ये रीड कैसे करते हैं ये समझ जाओ। अगर मैंने लिखा ना x इज ग्रेटर देन, बच्ची ये नहीं देखना है, ये नहीं देखना आपको, ठीक है, x इज ग्रेटर देन एंड, ये एंड है, हिंदी में इसका क्या मतलब होगा? और, x इज ग्रेटर देन एंड x इज, मान लो x इज ग्रेटर देन y बोला एंड x इज ग्रेटर देन z बोला। अब देखो इसका क्या मतलब है, ये पूरा स्टेटमेंट भी हमारा एक कंपाउंड स्टेटमेंट ही है। ठीक है, बट इस कंपाउंड स्टेटमेंट में बीच में एंड है, एंड, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? और।